हाँ 40 रोबोट, अब वो भी सारे अलग अलग टाइप के। और हमारे साथ एंड तक बने रहे और ये रोबोटिक सीरीज के साथ जुड़े रहे और एंजॉय करे। तनय 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 तनय, मम्मी अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, आई एम अ रोबोट। तनय मम्मी पापा तनय हाई फ्रेंड्स, हाई फ्रेंड्स, वी आर रोबोट, वी आर रोबोट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीजी मास्टर्स। आई नो आप लोग हमें बहुत मिस कर रहे होंगे, इसलिए हम वापस आ चुके हैं हमारे बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ। जनक तू आज पूरे ये रोबोट बनके क्यों घूम रहा था? क्योंकि अभी हम रोबोटिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखो हमारे पास कितने सारे रोबोटिक्स के बॉक्स। एक, दो, तीन, ये चौथा इतना बड़ा क्या है? हाँ, ये चौथा सबसे बड़ा किट है। इसमें हम 40 प्लस रोबोट अलग अलग टाइप के बना सकते हैं। 40 रोबोट? हाँ 40 रोबोट, अब वो भी सारे अलग अलग टाइप के। और तू क्या ये रोबोट जैसे दो दो चश्मे पहन के बैठा हुआ है? तू भी तो बन रहा था, तो मैं तो पूरे वीडियो में बनूंगा। चल चैलेंज, पूरे वीडियो में तेरे को ऐसा ही बैठना है। चल, दो चश्मा पहन के बैठेगा पूरे वीडियो में? हाँ, पूरे एक घंटे। अरे वो सब छोड़, ये इतने सारे किट्स में से कौन सी किट का हम रोबोट बनेंगे? हाँ, हमें सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक रोबोट बनाना है, और ये किट हमने स्टेप्स टू डू में से ली है। तो नहीं तो ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक किट है, जिसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। बस ये एक वाइब्रेटिंग रोबोट है, जिसको वाइब्रोट्स भी बोलते हैं। इसमें कोई इंटेलिजेंस और सेंसर नहीं होते, जबकि आगे वाली किट्स में सेंसर्स और इंटेलिजेंस होंगे। इसलिए हमने सबसे बेसिक और सिंपल वन से स्टार्ट करने को चूज। फ्रेंड्स, तो ये जो किट है ये एक DIY किट है, जो स्टेप्स टू डू एक कंपनी नाम की है। और अगर आपको भी ये यूज करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ये लिंक डाल दी है, तो उसको जरूर यूज करें। अरे अरे मैं देखता हूं उसमें से कौन सा रोबोट बनाएंगे। हाँ, इस मैनुअल में देखता हूं कौन सा रोबोट बनाएंगे। तो ये किट में हमारे पास दो दो अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स है, जो एक है मॉन्स्टर टाइप और एक है आर्टिस्ट टाइप। इसमें ये मॉन्स्टर टाइप को इन्होंने नाम दिया ब्रिस्टल रोबोट और इसको नाम दिया है डूडलिंग रोबोट। तो आज तनय सिलेक्ट करने वाला है कि आज हम कौन सा रोबोट बनाने वाले हैं। अरे ये बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं। अच्छा, कौन सा कलर वाला बनाना है? हाँ, हाँ। मुझे लगा था कि पहले हम मॉन्स्टर वाला बनाएंगे। नहीं नहीं, कलर वाला, मुझे कलर बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, चलो। तो आज तनय ने सिलेक्ट किया कि आज हम डूडलिंग रोबोट बनाने वाले हैं और मॉन्स्टर रोबोट हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बनाएंगे। तो तनय तो चश्मे लगाकर मैनुअल पढ़ने में बिजी हो गया, और यह मैनुअल एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में है। इसमें पिक्चर्स भी दिए हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि हमारा मॉडल उसके जैसा है या नहीं। आज के जनरेशन में AI, कोडिंग, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम रोबोटिक्स का सीरीज लेके आए हैं। और अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। अरे भाई ये कितना है, ये मैं खुद से बना लूंगा। अच्छा, तुझे रोबोटिक्स इतना सिंपल लगता है? हाँ, बहुत ही। तो आज बना ले पूरा, आज तेरे को ये रोबोट बनाना है पूरा। लेकिन मैं खाली इतना पूछूंगा कि ये बैटरी में कौन सा सेल पॉजिटिव है और कौन सा सेल नेगेटिव है। हाँ, मैं बीच में थोड़ी हेल्प करूंगा अगर तू कहीं अटक जाएगा तो। तो फ्रेंड्स, आज का पूरा रोबोट तनय बनाने वाला है, और आज हमारा पहला प्रोजेक्ट जो सबसे सिंपल वाला है वो बस तनय बनाए। तो आइए देखिए हमारे साथ डूडलिंग रोबोट। फ्रेंड्स, ये राउंड बेस है, इसके ऊपर अभी हम ये पिलर्स लगाएंगे। ये हमने बेस के ऊपर पिलर्स लगा दिए, अभी हम ये इसके ऊपर फिक्स करेंगे। ओके, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अरे वाह, इतना तो अच्छा कर लिया तुमने, चलो अभी आगे कर। अभी हम इसके ऊपर मोटर फिक्स करेंगे। वाह, तूने तो मोटर भी लगा दिया, चलो अभी बैटरी लगा फटाक से। अभी हम इधर बैटरी लगाएंगे। इधर बैटरी लगा दी है, अब इसको हम चालू करके देखते हैं। चलो। अरे चालू क्यों, स्विच ऑन कर रहा हूँ फिर भी। अरे तो पिन तो लगा तो चालू होगा ना।
बता रही किधर, अरे पिन किधर लगाऊं? अभी हम इसमें पिन लगाएंगे, क्रोकोडाइल पिन लगाएंगे। देख मैंने पूरा बदाम ही दिया। अभी डूडलिंग किधर हुआ है? मुझे क्या पता। अभी ये तीनों स्केच पेन लगाने पड़ेंगे और इसके बाद ये लगाना पड़ेगा मोटर के ऊपर जिससे वाइब्रेशन जनरेट होगा। So guys, डूडलिंग रोबोट रेडी है। चलो देखते हैं ये कैसा चलता है। अरे कुछ तो हो नहीं रहा है क्योंकि अभी ये लगाना बाकी है। ये लगाना बाकी है, मैं तो भूल गया। मैं लगाऊं। ये ऑफ सेंटर लगाना है। तो गाइस हमारा डूडलिंग रोबोट रेडी है। ओ वाओ, चल नीचे रख के करते हैं, ऊपर से गिर जा रहा है बार बार। वाओ भाई देख अच्छे से चल रहा है एकदम। आज तो तूने मस्त रोबोट बना दिया रे। ये एकदम सिंपल और बेसिक रोबोट है, इसलिए किधर भी जा रहा है। इस पे कोई भी सेंसर या इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन जो भी रोबोट हम आगे बनाने वाले हैं वो एक सेंसर और इंटेलिजेंस के साथ होने वाले हैं। और हमारे साथ एंड तक बने रहे और ये रोबोटिक सीरीज के साथ जुड़े रहे और एंजॉय करे। अलार्म वार्डर वार्डर है, निकल बाहर से निकल। Yes. Not yes. Yes. No.